पैजामा खोजा या खोजा दैसन आदमी पैजामा कहा है दैया तेरे बिटिया का बाप लगी तेरे माई के बाप लगी यही सब बखने पहना ली गए आखिर तोर मत के क्या बाप है बताओ आए आज मैं करूंगा तेरे साथ शादी और मैं रहूंगे इस देश में सुन हमार बिया हो गए बा मेहरारू के कल भतार होती पांच भतार होते चाचा आज के जमाने में एक मेहरारू के पांच पांच भतार होते कहती नहीं वाले आप चलिया भीड़ वाले आप शेखुपुर वाले आप अगली बहनी वाले आप ये हमेशा जब आप मेहरारू को पांच भतार नहीं किया बता जिंदगी में और भतार देखे और देखे कहा देखे अपने मेहरारू के डेढ़ भतार देखे तोरे मेहरारू में डेढ़ भतार है तो दिमाग के बा कि तो दिमाग पागल बा पागल दिमाग अपसेट बा नहीं पागल ये भतार से चाहत का आज मैं करूंगा तेरे साथ शादी और मैं बढ़ाऊंगे इस देश की आवाज एक चीज सुन हमार बिया हो गए बाप मेहरारू के कई भतार होती पांच भतार नहीं होती भाई आप पागल आराम खोरी लुच्ची कुत्ती जमाना कहा था कि आज के मेहरारू जो उन्हें भतार करे मेहरारू हम ही जाओ एक एक मेहरारू के पांच पांच सात सात भतार हो अच्छा चल तो यार देखा इसे कितना ये तिलई वाले बता कि पांच भतार की है वाले तिलई वाले बताओगे तो तिलई वाले बताओगे अच्छा चल तो यहाँ देखा इतना जो यहाँ भौजी समझ के एक भतार बताया सारे ही जानू पूछो राहत के बीरा के पान रसगुल्ला सबके पागल यहाँ था घर गुलम्मा जी बनाया रानूपुर जाए थे हम तिलई मोड़ के बात करते ही यार पांच ही जीतावा अगर हम पांच ही बताए जीत गए हमारे तरफ बोल दिया चला पूरी रात और खुला था हमारे दुकान आधी आधी सीसी फ्री पर अच्छा जब तेरी हाथ उठवाई तोरी कैसी बलवाने वा हमारी कैसी बोले वो ज्यादा हमार जनसंख्या आज हमार जनसंख्या ज्यादा तो आज जनसंख्या कम है और कुल हमार पर मुझे ही तोरा पहले भूल जितना जने यहाँ खड़ा है अगर भौजी से हंसे हो अगर भौजी से हंसे कोई जुल जाए बोले खोते भतार बताया ए बहनी दीदी आया सब दिन हम जाना था हमारी कति नहीं बोलती आज बोल गया बनाई थी बहनी दीदी तो हारी हे ना यहाँ जो का पता ही नहीं है बहनी दीदी रे बैठी आप कच्ची वोट मांगे चाहिए आगे हो ना हो काका जब तक हाथ उड़ा देखी के तो भतार बताओ काका पांच ए बहनी दीदी आप पीछे बैठी आ आगे बैठी आ पीछे बैठी आ कसे शर्मा जी अगर आ यहाँ तो भतार बताओ पांच भतारा शर्मा जी करे लगे चली आ ए पगड़ी वाले बाबा उजर का रुमाल बाधा था तू से कहा कि हमें एक बता बोल के बाहर जा मत वो छुपाए हमें क्या कही हाथ उठाओ हाँ मेरा रुक के कई भता क्या बताओ भाई ने भगवान राम अभी से कम कर दो वो नीचे पर होते आयु के नहीं खाली मैं से कम कर दो तो उसी का दम चुक जाएगी मैं बच्ची बोलते तो नहीं बा हाँ अच्छा तो हाथ उठाओ जितना जरे हाथ एक भतार बता बस अपनी अपनी मेहरारू की रियाज संघटा की नहीं हाँ चलो मेहरारू के कई भत्ते सब बतावत ठीक है एक दिया नहीं मैं छोड़का का जाने पास पागल लिया वो लगा का है मैं पायरा ना है वो उससे नो लड़ा बा ओकर बेचारे के फेरी बैलेंस बा उनसे ने पूछा ए दाढ़ी वाले तू बता मेहरा उनके भतार की बात वो हमारा ही बता वो पांच थे ना उनका मेहर गुलाब्बा सब ये है काहे एक चीज सुना अब वो बतावा था तू भूल दे तो बतावा था बकरे एक ही आवा कहो लक्ष्मी गुरु ढेर तू बाजा बजाया है घूम घूम के डीजे बजाया ढेर कहो सब दिया है मत दिया बिना अजू नहीं लिया है तू बता मेरा उनके भता के पास झूठ जी बोला मेहरी का हाल वही जाने के मेहरा मन ये दुल्हन वाले ये बाजा करता है बजाय नेता याद नहीं
एक सफेद सफेदी पहनते क्यों न भूल गए हो। अब हम देखब भाई का कहा बैठा बा, देखा मेरे चश्मा वाले के बड़ी जो चदरा ओढ़ के बैठा है, उनसे पूछा मेरा रुपये बता। जब और साधु भाई, साधु भाई तो कई बता हम तय खता था, वो सोचे तो हम बताए ये देखा एक भता रहे बताओ ना देख ले हाथ उठाए जो कहे लखन ना ये एक भता देखा पागल ये वो एक चीज हमारे बताओ ना है वो खुद ही सुई छाप वाह सब कहा था उनके पांच बाप खुद ही अच्छा अच्छा ला के देख ले आई आगे हमारे साहू के रहना अब हमें चारे दिखाओ जूता निकाल रखता तो का कच्ची पक्की सड़क नहीं जना चाहे जब से चल गए नहीं हाँ तो सही बात है। ये आगे हमारे साहू किराना स्टोर वाले जो किसी तेलिया बीच चौराहे पे इनकी दुकान है, ये साहब की तरफ से 11 रुपया पुरस्कार आशीर्वाद की कामना बात धन्यवाद तो उसे कहना गया ये आगे हमारे काका ढाबा, ये हमारे काका ढाबा वाले वालिद महोदय साहब की तरफ से ये कई रुपया पुरस्कार आशे फरऊ बहरारी को नसम हुआ है ऐसे ना आपकी पुलिस जब तक जूता न निकल
आगे हमारे बनवारी लाल भैया जो कि दानोपुर की पावन धरती से चलकर आए हुए, ये 2300 रुपया पुरस्कार का और साथ ही साथ गाने की फरमाइश है, कव्वाली लगा दीजिएगा मैडम जी, आ जाओ। कहना है कव्वाली के भाव से मास्टर से एक छोटी सी कलाम आपके सामने प्रस्तुति नौटंकी भाव से मास्टर सोहनलाल के मुखारो दिल से आप दीजिए कव्वाली के भाव। क्या है पढ़ो दरूद पढ़ो मोमिनो करीबे से कि हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने, ये मदीने जाने वाले मेरा प्यार कहता रसूल अल्लाह से मेरा सदा कहे। आगे भैया गुस्ताख क्रियाना स्टोर, चलिए फिर से 11 रुपया का प्रस्ताव भैया ब्राह्मण कहना है। अरे मुझको चमकी मिला है, अरे मुझको चमकी मिला है अल्लाह के नबी को, मिला है अल्लाह के नबी को। आगे हमारे जानसो चाचा जो कि आशा फूलपुर कोरापुर निवासी हैं, यहाँ रहते हैं। अच्छा भीड़ यह है क्या? अबे यार भीड़ देखे हुए संसार परेशान, साहब के तरफ से पुरस्कार आया है, चाचा जी को सलाम हो। और नहीं के साथ में हमारे कचरा के पुल से कल्लन गुरु जी के भतीजे साहब, क्या हो रहा है फोटो पहिया वाहन पे जो बैठे हैं, प्रणाम स्वीकार हो, सलाम हो, हमारे तरफ से पुरस्कार आया है हमारे कल इनके लिए भेजवाए, ये हमारे कई छुट्टिया तो हो रहे कई छुट्टी है, पुरस्कार भैया को सलाम पूछे। अच्छा अच्छा, हाँ भैया जो साझ घर के अंदर जितने भी दर्शक बंधु हमारे वहाँ पर भीड़ लगाए हुए, कृपया करके मेला कमेटी से आदेश है कि कृपया उनको वहाँ से हटाया जाए। एक आदमी जाओ हटा दीजिए, एक कई दुपिया पुरस्कार यह देखा तो हर बजे का भाई जान जो की कचरा के पुल की पावन धरती से चलकर आए हुए। अच्छा अच्छा, एक गिना बेचारो दूसरे चक्कर में बाहर गया दौड़ा चला जा रहे हैं, लेकिन का करें लव दिया है कहीं से धोखा जिन खाना पत गया सब आगे बढ़े। और आते ही साथ आगे हमारे जो की जमाल मीणी से, ये हमारे जमाल मीणी से जो की शेखोपुर की पावन धरती से 11 रुपया पुरस्कार धन्यवाद पहुंचे। और साथ ही साथ आगे हमारे जो की पटेल स्वीट हाउस, ये हमारे पटेल स्वीट हाउस जो के तिलय चौराहे पर इनकी दुकान है, अरविंद प्रोपाइटर हमारे अरविंद पटेल भैया, ये 11 रुपया पुरस्कार धन्यवाद। और साथ ही साथ आगे हमारे बेनाम बादशाह बड़े भाई साहब की तरफ से ये 21 रुपया पुरस्कार आशीर्वाद की कामना बाद जो कि आपके लिए स्पेशल में देते हुए आशीर्वाद की कामना बाद धन्यवाद के साथ में हमारे सुरेश पंडा दिल्ली निवासी
बहुत बढ़िया खाना के कारीगर है, मिष्ठान के कारीगर बच्चा दे रहा है। साहब को किसी भी समय आपको अगर सेवा करने का अवसर देंगे तो बहुत बढ़िया आपकी सेवा करेंगे। 11 रुपया का पुरस्कार है भैया सुरेश पंडा का, नमस्कार। कहना ही अरे मुझको चमकी मिला है, मुझको चमकी मिला है अल्लाह के नसीब से, चमकी मिला है अल्लाह के नसीब से। अरे हमारे वैठा हुआ नाम दाव भाई मुर्गा वाले पेली पकड़ी, दाव भाई मुर्गा वाले आप साहब के तरफ से 11 रुपया का पुरस्कार आया है भैया को नमस्कार, प्रणाम आशीर्वाद की प्रतीक्षा बा। मुझको सबक मिला है अल्लाह के नबी से, छोटी मेरी भरी है बीमार की रोशनी से, मुझको सबक मिला है मेरे दाद की गली, मुझको सबक मिला है मेरे दाद की गली, मुझको सबक मिला आगे भैया। भोजपुर बेटी सी आप साहब इस गीत को सुनते हुए, कवाली को सुनते हुए 11 रुपए का पुरस्कार के भैया का प्राप्त भैया को सलाह को कहना है जिसने जिसने अल्लाह के भाई भोला भैया के कहे ना वहां बैठे देता बैठे देगा बेचारू का क्या बात है। आप लोग खुद पार्टी के मनैया के वगैरह अगल बगल आए तो कहते बाबू जी इनका बैठे गया, उनका कहा कि सिर्फ करता बात छोड़ो वहां करो बता दिया माई में पकड़ बता दे कहना है हर दिन तो हो रहा है के करम का पर्दा, हर दिन तो हो रहा है के करम का पर्दा, पर्दे में जब पहुंचे हम तो गले लगाया, पर्दे में जब पहुंचे हम तो गले लगाया, आगे हमारे दाऊ भैया मुर्गा वाले ये बिरयानी उरयानी सबके बड़े पीस बनवा भैया, काल हम कब मुर्गा का छाटन दे दिया है 30 रुपया किलो में दे दिया भैया, 21 रुपया का पुरस्कार किए हैं
कवाली का आटा पूर हो जाए, इन्हीं के साथ में हमारे काका ढाबा वाले जब आई थी बेचारो हमका सवेरे बिरयानी जरूर किया हो। अब कहन बेचारा हम कल भी तुम लोग खाके तभी जाना, दिन में 10 बजे से रात में 10 बजे तक जब भी पहुंच गया बिरयानी खवाही चिकन खवाही घूम दी याद भी हमारे हबीब भाई जो की बैंड पार्टी डीजे रोड लाइट वाले आज गरारागंज की पावन धरती से चलकर आए हुए 2500 रुपया पुरस्कार आशीर्वाद के कामना बाद धन्यवाद पहुंचे और साथ ही साथ कचरा के पुल की पावन धरती से चलकर आए हुए ये हमारे असलम भाई की तरफ से क्या देखा है 2500 रुपया पुरस्कार व आशीर्वाद के कामना बाद धन्यवाद पहुंचे और साथ ही साथ आगे हमारे जिया लाल चाय वाले ये उनकी तरफ से 11 रुपया पुरस्कार आशीर्वाद के कामना बाद धन्यवाद पहुंचे और साथ ही साथ आगे हमारे सोए भैया जो की चाय पान भंडार तो सामने दुकान लगी हुई नंबर 1 की चाय बनाते हैं 11 रुपया पुरस्कार गुटका मुक्त देते हुए आशीर्वाद की कामना क्या है। अब हम जाग बैठे फिर इस क्षेत्रीय मजदूर कलाकार हमारे शालिग्राम पटेल चलाते थे और हमारे सुरेंद्र ठाकुर जिनका हमारा साथ इसी पर मेले में बहुत पहले हुआ था राम खिलाओ नहीं दया राम के साथ में कहना है कि जमी सलाम मास्टर क्या बात है जमी सलाम करे और आत्मा सलाम करे जमी सलाम करे और आत्मा सलाम करे क्या नदिया सलाम सलाम करे आत्मा सलाम करे जमी सलाम करे आत्मा सलाम करे जनाबी आपको दोनों जहां सलाम तो आगे हमारे संसु भाई जो की तिलई मोड़ पे रहते हैं ये उनकी तरफ से 50 के नोट में से 11 रुपया पुरस्कार इस कवाली को सुनते हुए आशीर्वाद की कामना बा भाई जान को सलाम करे सलाम करे आसमा सलाम करे या नबी आपको दोनों जहां Oh,
या सोशल सेवा जो कि तिलिया दिन की पावन धरती से 11 प्रिय पुरस्कार आशीर्वाद की कामना बात धन्यवाद चलते और चाहते हैं चाहता के हमारे एसएम देहाती यूट्यूब चैनल वाले जो कि लाइव कार्यक्रम चल रहा है इस समय आप सब देख सकते हैं चाहे यहाँ भी हो जहाँ तक आवाज जाती हो अगर जो यहाँ ना आ सके हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करना ना भूले और ऑनलाइन यानी कि यहाँ से लाइव शो भी दिखाया जा रहा है आप सब देख सकते हैं 11 रुपए पुरस्कार धन्यवाद सोचिए और साथ ही साथ निशान भाई जो की हमारे कचरा के पुल की पावन धरती से चलकर आए हुए 21 रुपए आपके लिए 21 रुपए हमारे लिए देते हुए भाई जान को सलाम कबूल हो और साथ ही साथ ये आ गए हमारे दाऊ भाई मुर्गा वाले आपके तरफ से 11 रुपया का पुरस्कार है भैया के नमस्कार प्राम साथ साथ यानी हमारे रामचंद्र तिलई वाले इनका कहना है कि मास्टर साहब को बताइए हाँ 9 बजे चालू किए प्रोग्राम 12 बजे तक जो कभी कोरस नहीं हो रहा है चल रहे हैं अच्छा अब इनके पास 4 डांसर बचे हैं कितना कितना देर लगी है ये तो हमारे आगे रामचंद्र भाई चाय वाले आप साहब के तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार है उनकी फरमाइश से अपने माँ बाप तक तो दिल न दो क्षमा चाहिए का जनता जनादर प्रेम से प्रेमियों से कि जनता भगवान का रूप होता है आप जमी पे हैं जमींदार हैं हम चौकी पर हैं चौकीदार आपके रह सके हैं लोग की फरमाइश आई कि आप मास्टर साहब को कवाली गा दे अगर हम नहीं गा के लाएंगे तो आप यही कहेंगे रात भैया न चलती देखे तो कवाली भवन पहले राम सर राम सिंह के जमाने में लोग देखने के लिए रहते थे कि कवाली कहरवा पूर्वी छपरिया डांसर गाते थे लेकिन रामफल के दिन विचारों में हमारे राम सिंह थे उनको कहरवा नहीं लगा था हमारे सुंदर ठाकुर को लोकगीत और हमारे तारिक राम को कवाली ये विचार नहीं कि हम कुछ समय आपको खा रहे हैं अगर हम आप कह के नहीं जाएंगे कि पछोरा पूरी जाए तो मजा ना आए आपको दिशा में फिर मिलेंगे आपको कहने हैं लोक भाव में क्या विचार है मास्टर जी एक तरीके है